27 पूछ। तो कौन सा चैप्टर? 13th। थर्टीन यस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शाग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। ओके, हरे कृष्णा, सभी को स्वागत है भागवत कक्षा में। आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय 27वां श्लोक से चर्चा करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत धृतराष्ट्र किस प्रकार से अपना घर छोड़ा है, या अन्य वचनों में कहा जाए तो धृतराष्ट्र कैसे घर छुड़वाई गई हैं, या उनकी आसक्तियों को छुड़वाई गई हैं, और उनको अपना आसक्तियों को छुड़वाने में वैष्णव कैसे मदद किए हैं, और भगवान किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की हैं उनके जीवन के अंतर्गत ताकि धृतराष्ट्र अपना घर छोड़ सके, और वैष्णव के द्वारा भगवान ने कैसे प्रोत्साहन दिया उन्हें अपने घर छोड़ने के लिए या अपनी आसक्तियों को छोड़ने के लिए। ये सारे बातें हम इस अध्याय के अंतर्गत हम सीख सकते हैं। इस श्लोक यस्वकात् परतो वेहाम् जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत स नरोत्तमः। अपने आप से या दूसरों के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है वह इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चित ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। एग्जैक्टली वही श्लोक आ रहे जिस विषय की चर्चा हम करने जा रहे थे। Certainly, first classmen who awakens and understands either himself or behaving with others, the falsity and misery of this material world and thus leaves home,
and depends fully on the personal order residing within his heart. निश्चित रूप से वो प्रथम श्रेणी का व्यक्ति है जो खुद से समझ लेते हैं या नहीं तो अन्यों से सुनकर सीख लेते हैं। तो वैसा श्रील प्रभुपाद जी उपदेशामृत के अंतर्गत तीन प्रकार की बुद्धिमान लोगों के विषय में चर्चा करते हैं या बुद्धिमान लोगों की तीन श्रेणियों के विषय में चर्चा करते हैं। एक तो वो है जो कि सुनकर सीख लेता है, उन्हें जब कुछ कहा जाता है देखो ये गलत है, इस प्रकार से करने से आप बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे, आप मत करो, इस प्रकार से कहने पर समझ लेता है, देन फिर वो करेगा नहीं वापस। देन ये प्रथम श्रेणी का व्यक्ति जो सुनकर सीखता है। और दूसरा श्रेणी का व्यक्ति है जो अनुभव या अन्यों के अनुभव देखकर सीख लेता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी को कोई चोरी कर रहा है तो उनको समझाने पे कोई समझ लेता है, अरे चोरी करना गलत है, चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ेंगे, देन आपको पिटाई करेंगे, बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे, देन फिर जेल में जाना पड़ेगा, ये सारे बातें सुनने पे व्यक्ति सीख लेता है, अरे मैं फिर कल से मैं चोरी नहीं करूंगा। देन फिर दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो अन्यों को देखता है जो 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 लोग चोरी किए हैं उनकी पिटाई कैसे हो रही है, वो कैसे जेल में पड़ रहे हैं और कितना कष्ट उन्हें भोगना पड़ रहे हैं, ये सारा कुछ देखता है। देखने के बाद उनको लगता है अरे जो सुना है बिल्कुल सही है, उससे भी बहुत खतरनाक है। तो ये सारे बातें जब सुन देखता है देन फिर वो सीख लेता है, दोबारा नहीं करनी चाहिए, ये देख कर सीखने वाला। और तीसरा प्रकार के हैं जो अनुभव करके ही सीखेगा। एक बार कम से कम उनको जेल में अच्छा से रख के खूब अच्छा पिटाई होने के बाद, खूब खाने के बाद और कुछ समय जेल में रहने के बाद, देन फिर वो व्यक्ति सीखता है अरे नहीं सच में इन लोगों ने जो कहा है और इन लोगों ने जो दिखाया है बिल्कुल सच्ची बात है, और दोबारा मुझे इस प्रकार से चोरी वोरी नहीं करनी चाहिए, अगर मैं करूंगा तो दोबारा इसी प्रकार से मैं फंस जाऊंगा करके, इस प्रकार से सारे बातें समझ कर अनुभव से, देन फिर व्यक्ति नहीं करेगा। बट चौथा प्रकार के महान लोग होते हैं जिन्हें आप कहो, दिखाओ, अनुभव कराओ, फिर भी नहीं सीख, ये सारा कुछ करने के बाद भी नहीं सीखता है, वो चौथी श्रेणी का भी लोग है। एंड उनका उनके पास बुद्धि है करके भी डाउट लगता है, बुद्धि है या नहीं करके डाउट करना पड़ेगा, बिकॉज वो सुनकर भी सीख नहीं पा रहे, दिखाने पर भी सीख नहीं पा रहे हैं, और फिर उनको खुद अनुभव करा कर भी वो सीख नहीं पा रहे, उससे भी सीख नहीं पा रहे। तो इसलिए वैसा लोगों के पास शायद ही कुछ बुद्धि बचा। तो एग्जैक्टली उसी श्रेणी को बिलोंग करते हैं कलयुग का लोग, मतलब हम सभी उसी श्रेणी को बिलोंग करते हैं। इसलिए कई बार इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर इसी विषय में ही एक बात कहते हैं, जानी या सुनी या विषा खाइनु, सुन भी रहा है बारंबार कि देखो विष मत पीना, ये इंद्रिय तृप्ति विष है, इंद्रिय भोग मत करना मत करना, और जान ये वो जान भी लेता है, समझ भी लिया उन्होंने, बट फिर भी विष खाता है। तो यही मूर्खता है आज की कलयुग के जीवों का। इसलिए भगवान को और माया को थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है, काम बढ़ जाने का मतलब यही है कि बिकॉज लोग शास्त्रों से बताने पे सुनकर सीख नहीं पा रहे हैं और अन्यों को दुख देखकर सीख नहीं पा रहे कि अरे ये दुखाली मशाश्वतम है, यहाँ पर मुझे अपना सेटलमेंट करने का नहीं प्रयास करनी चाहिए बल्कि यहाँ से निकलने का प्रयास करनी चाहिए। यहाँ सेटल होने का जो प्रयास करता है वो प्रवृत्ति बुद्धि का है, और जो निकलने का प्रयास जो करता है वो निवृत्ति वाली। इसलिए दो मार्ग होता है शास्त्रों में, एक तो प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग वाला वो क्या करता है कि वो इसी दुनिया के अंतर्गत सुख पूर्वक कैसे रहना है उसी का व्यवस्था बनाने में बहुत व्यस्त रहेगा,
उसी का व्यवस्था बनाने में बहुत व्यस्त रहेगा, कैसे मैं इस दुनिया के अंतर्गत रहते हुए सुखी रह सकता। एंड उसके लिए जो कुछ भी इंतजाम करना पड़े, जो कुछ भी बैंक सेविंग्स करना हो, घर बनाना हो, गाड़ी खरीदना हो, पॉलिसीज वगैरह बनाना हो या इन्वेस्टमेंट इत्यादि, उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे उनको यही रहना है। एंड दूसरे प्रकार का व्यक्ति वो निवृत्ति मार्ग का है। निवृत्ति मार्ग वाला व्यक्ति उनकी व्यवहार कैसे रहता है कि वो कैसे अपना काम इस दुनिया के अंतर्गत चलाए, बस कैसे भी करके वो अपना काम चलाए इस दुनिया के अंतर्गत, बट उनका मेन फोकस रहेगा भगवान की भक्ति करके फिर जल्दी से जल्दी इस दुनिया से निकल जाए। बट इस दुनिया के अंतर्गत जब तक रहेंगे फिर काम चलाने के लिए कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, फिर वो कैसे भी थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट करके फिर वो काम चला लेता है, काम चलाते चलाते, बट उनकी मेन फोकस रहेगा कैसे मैं इस भौतिक दुनिया से मैं निकलू। इस प्रकार से जो निवृत्ति वाला होता है, तो इसलिए आप एक बार अपने आप को जांच कर देखिए आप कौन सी मार्ग पे हैं, क्या प्रवृत्ति में है या निवृत्ति मार्ग में है, प्रवृत्ति मार्ग में है या निवृत्ति मार्ग में है, और किस पे आप रहना चाहते हैं। अगर यही सेटल होना है देन फिर ठीक है, अगर मन बना लिया यही रहना है देन फिर रहो, देन फिर रहना है तो देन फिर माया व्यवस्था करेगी तुम्हारे हमारे लिए अच्छा झेल की खाने की इत्यादि इत्यादि व्यवस्था होगी, फिर तो फिर जेल में रहने का मतलब है फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि चारों चीज होगा, तीन क्लेश होगा और ये चारों क्या कहते हैं चारों कष्ट भी होगा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रूप में, और जो तीन क्लेश है आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश, ये तीन क्लेश भी होगा। एंड ऊपर से जो छह प्रकार की जो विप्स कहते हैं माया का विप्स, वो भी पड़ेगा, तो ये सारे चीजें रहेंगे फिर साथ में। तो इसलिए बेहतर है जो जिस व्यक्ति ने खूब पिटाई खा लिया अभी सोचता है कि मुझे अभी बंद करना है, अभी निकलना है यहाँ से, कब तक मैं इसी प्रकार से रहूं, मुझे यहाँ से निकलना है करके जो सोचता है देन फिर निवृत्ति मार्ग पे आना पड़ेगा। निवृत्ति मार्ग का मतलब है कि विल सिंपली ट्राई टू, आई मीन ही विल नॉट ट्राई टू एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ में वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, बहुत सिंपलिस्टिक लाइफ रखेगा, जितना कम से कम में उनकी काम चल सकता है उतना कम से कम में वो अपना काम चला लेगी इस दुनिया के अंतर्गत, बाकी सारा समय शक्ति बुद्धि सब कुछ भगवान की भक्ति में लगा देगा, बिकॉज उन्हें निकलना है, उनकी फोकस वो है। इसलिए निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग में समझना पड़ेगा। एंड जो प्रवृत्ति मार्ग वाले, बिकॉज वो लोग अभी इस कंक्लूजन पे आए नहीं निकलना है करके, तो उन्हें उस कंक्लूजन तक लाने के लिए और उनको इस दुनिया से निकलना है करके प्रोत्साहन देना है, उनको उस प्रकार के साक्षात्कार दिलाने के लिए भगवान फिर अपनी व्यवस्था करते हैं। भगवान कैसे व्यवस्था करते हैं, माया को पीछे लगा देते हैं। देखो माया, मैंने शास्त्रों में और साधुओं के द्वारा खूब सारे प्रवचन सुनाया, बट ये व्यक्ति समझा नहीं सुना नहीं, इसलिए अभी हमारे हाथ से निकल गया, तुम ले लेना, इनकी जिम्मेदारी जो है तुम लेना, देन फिर माया पकड़ती है। एंड माया तो वो मुंह से नहीं समझाती है, वो सीधा लातों से ही समझाती है। एंड जब लात बढ़ता है फिर लोग चिल्लाने लगते हैं, प्रभु जी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है, तो हमारे ही परिवार में लोगों के साथ इस प्रकार से पूरा क्यों हो रहे हैं, हमारे ही परिवार में इनके साथ एक्सीडेंट क्यों हो गया, ये व्यक्ति क्यों मर गया, हमारा जॉब क्यों निकल गई है, हमें इतना बीमार क्यों पड़ना पड़ रहे हैं, प्रभु जी मेरे पत्नी मेरी बात क्यों नहीं सुनती है, मेरे पति इतना बेकार पति क्यों मिला है मुझे, मेरे बच्चे इतना बेकार क्यों है, तो ये सारे कष्ट किस लिए आता है, क्योंकि हमने बात नहीं सुनी, हमने भगवान की बात नहीं सुनी, साधुओं की बात नहीं सुनी। अगर साधुओं को बात नहीं सुनेंगे और भगवान की बात नहीं सुनेंगे देन फिर सारा केस को हैंड ओवर कर दिया जाता है नेक्स्ट ग्रेड पे, माया टेकअप करती है। जैसा नीचे वाला पुलिस की बात नहीं सुनेंगे देन फिर वो पुलिस है अपर ग्रेड वाला पुलिस को हैंड ओवर कर, देखिए हमारे बस की बात नहीं है, हम समझा नहीं पा रहे, तुम लोग अपने तरीके समझा देना करके,
उनको पकड़ा दिया जाता, देन फिर वो लोग खूब अच्छा से समझाते। बट समस्या है कि इतना पिटाई खाने के बाद भी लोग समझ नहीं पा रहे, इतना मार पड़ रहे हैं, इतना मार पड़ रहे हैं, जैसे कोरोना में इतना मार पड़ा तब भी लोग चिल्ला रहे थे, सांस लेने के लिए नहीं मिल पा रहा था, गैस सिलेंडर ढूंढ रहे थे। आप सोचो, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, गैस सिलेंडर ढूंढ रहे थे, सब लोग गैस सिलेंडर खरीद के, हमने एक व्यक्ति से पूछ, गैस सिलेंडर बेचते थे, उन्होंने कहा कि प्रभु जी जब भी हम गैस सिलेंडर मंगा रहे थे ऑटो को ही कब्जा कर ले रहे लोग, हमारा दुकान तक आने ही नहीं दे रहे, ऑटो को बीच में पकड़ कर ही सारा जबरदस्ती लोग लेकर चले जा रहे। तो उतना दिक्कत है इस दुनिया के अंतर्गत, क्यों यहाँ रहना चाहेगा? अगर मूर्ख नहीं है तो क्यों रहना चाहेगी? इसलिए इस दुनिया के अंतर्गत रहने के लिए व्यक्ति प्रयास नहीं करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर वही बात कहा जा रही है, फर्स्ट क्लास व्यक्ति मतलब जो अपने से समझ लेगा, नहीं तो अन्य व्यक्ति जब समझा रहे वो समझ लेगा कि अरे ये दुनिया रहने वाली कोई स्थान नहीं है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अक्सर कहा करते थे, दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर जेंटलमैन एंड वुमन। जो सज्जन लोगों के लिए रहने के स्थान नहीं है। अगर आप अपने आप को सज्जन पुरुष या सज्जन स्त्री मानते हो, देन फिर ये बात समझ लेना कि ये आपके लिए रहने की स्थान नहीं है। अगर आप यहाँ रहेंगे तो इसका मतलब आप सज्जन पुरुष है ही नहीं। दोनों में से एक ही बात होगा, इधर आप सज्जन पुरुष है तो फिर यहाँ रहना नहीं चाहना चाहिए, देन फिर यहाँ से निकलने का प्रयास करना होगा। अगर आप यहाँ रहने की मन बना लिया, देन फिर आप सज्जन है ही नहीं। सज्जन है ही नहीं, क्योंकि ब्रोतल में बार में कौन जाएगा? सज्जन पुरुष थोड़े जाएंगे। विचार गृह में हो या कोई वोडी से बार में, तो वो तो सज्जन पुरुष तो है ही नहीं वो लोग। उसी प्रकार की गंदा स्थान है ये जहां पर हम लोग रह रहे हैं, जहां पर बिल्कुल अपना अपना सेटलमेंट की प्लानिंग जो करते हैं लोग ना, कई बार लोग मम्मी पापा कहते हैं मेरा बेटा सेटल नहीं हुआ। अरे सेटल क्या करनी है? ये ब्रोतल में सेटल कराना चाहते हो या इस प्रकार की एक बार में सेटल कराना चाहिए? ऐसा गंदा स्थान में क्या सेटल कराना है? उनको निकालो ना, उनको निकालना है यहाँ से, सेटल नहीं कराने का। अगर कोई सेटल हो भी रहे तो अनसेटल कर देने का, सेटल हो भी रहे तो उनको डिस्टर्ब कर दो कि बोलो कि ये सेटल होने के स्थान नहीं, निकलो यहाँ से। इसलिए भक्तों का जो प्रचारक है, दे आर लाइक फायर फाइटर्स। अब फायर फाइटर्स कभी देखे हैं? फायर इंजन के साथ जो चलते हैं, फायर फाइटर्स की तरह ये जो संसार दावनल के अंतर्गत जो फंसे हुए बद्ध जीव है, उन सभी लोगों को खींच खींच कर बाहर ले आते हैं। कई बार जो लोग आग में फंस जाते हैं ना, वैसा लोगों को निकाल में कब दिक्कत होता है कि जब लोग कुछ आसक्तियों की वजह से निकल नहीं पाते। कोई कहता है, प्रभु जी मेरा ट्रंक बॉक्स यहाँ पर पड़ गया, उसके अंतर्गत बहुत सा सोना है, एंड वो सोने की डब्बे जब तक नहीं मिलता है वो तब तक वो बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करता। वो सोने के डब्बे के चक्कर में वो अंदर घुस कर भी कैसे भी करके वो सोने की डब्बा ले लेना चाहता है, तो उसके चक्कर में व्यक्ति फंस जाता है। वैसा लोगों को निकालने में ये फायर फाइटर्स को बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति आना ही नहीं चाह रहे, वो सोने के डब्बे के पीछे पड़ गया व्यक्ति, निकलना नहीं चाह रहे। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि सोने के डब्बे के चक्कर में वो खुद मर जाएगा, सोने के डब्बे के चक्कर में खुद ही मर जाएगा, एंड उस व्यक्ति को बचाने के चक्कर में इनके लिए भी बहुत बहुत बड़ा खतरा है जो फायर फाइटर है। बट उस व्यक्ति की आसक्ति के कारण उनको, वो अपना जीवन को भी खतरा में डाल रहे हैं और फिर जो फायर फाइटर उनका भी जीवन खतरा में डाल रहे हैं। तो ये एक कैटेगरी के लोग हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग, अगर कोई उन्हीं का परिवार को कोई व्यक्ति उस आग में फंस कर जल रहे हैं,
उस व्यक्ति को जो जिन्हें बचा ही नहीं सकते हैं, बचा ही नहीं जा सकता है, उस व्यक्ति के प्रति आसक्ति के कारण वो व्यक्ति वही रह जाता है, वो निकलना नहीं चाहता, वो व्यक्ति वही रहना चाहता है, वही रोते हुए रहता है। तो उस प्रकार की आसक्ति को भी वहां पर काटना पड़ेगा, नहीं तो आप निकल ही नहीं पाओगे, आप खुद भी उसी संसार दावनल में फंस कर मर जाएंगे। इसलिए आसक्तियों को भी छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए जब कोई इस प्रकार से अपने आप से आसक्ति नहीं छोड़ पाता है, तब जाकर माया को भगवान लगा देते हैं, देन माया देवी अनेक प्रकार की कठिन कठिन परिस्थितियों को और कठिन कष्टों को हमारा जीवन में देकर हमें ये बात की एहसास कराने का प्रयास करती है कि देखो बेटा, जब भगवान ने कहा दुकाले में शासन, बिल्कुल सच ही बात है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है, 1% भी झूठ नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है, इसलिए भगवान की बात सुनकर निकलो। इस प्रकार के एहसास दिलाने के लिए माया जो है अनेक प्रकार के कष्ट देती है। एंड जब तक इस निष्कर्ष पे आप नहीं पहुंच पाओगे, तब तक माया को ये काम करना ही पड़ेगा। नहीं तो माया कोई सैडिस्ट नहीं है हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट देने के लिए, उनको कोई ऐसा अच्छा लगता है ऐसा तो नहीं, बल्कि माया देवी भी तो भगवान का ही तो भक्त है, तो उनको सैडिस्ट वाला को कोई गुण नहीं है कि आप कष्ट देकर वो एंजॉय कर दिया, बल्कि उनको भी अच्छा नहीं लगता, बट फिर क्या ही करे, आप सीधा सीधा सुन नहीं रहे तो फिर उस प्रकार से करना पड़ रहे हैं। इसलिए उस प्रकार से हम मजबूर करा रहे हैं माया देव को इस प्रकार से करने। इसलिए अगर हम अपने जीवन के अंतर्गत इस प्रकार की परिस्थितियों को खत्म करना चाहें, देन ये बात समझ लीजिए, समझकर भगवान की आश्रय लीजिए और भक्ति करिए, देन जल्दी से जल्दी इस प्रकार की परिस्थितियों से आप निकल जाएंगे, है ना। इसलिए कभी कभी बीच बीच में भक्त लोग भी, कई बार कोई कहते प्रभु भक्तों के जीवन में फिर क्यों आता है, कई बार भक्त लोग भी कंप्लेसेंट हो जाते हैं अपने भक्ति को लेकर, कंप्लेसेंट मतलब बहुत लाइटली लेने लगते हैं, इतना सीरियसली नाम जब हम वगैरह कर नहीं रहे, देन फिर बीच बीच में माया थोड़ा झलक दिखाती है, बेटा अभी सब कुछ काम खत्म नहीं हुआ, करो और माला करो और जब करो और सीरियसली करो, तब निकल पाओगे, है ना। तो कभी भक्तों के जीवन में भी इस प्रकार की एक नहीं, अगर बिल्कुल ही स्मूथ कर देंगे देन फिर व्यक्ति और कंप्लेसेंट और ढीला पड़ जाएगा, वो ढीलापन खत्म करने के लिए माया देवी बीच बीच में इस प्रकार की चीजें डालती रहती है। नहीं तो हम हर बार प्रवचन दे ही रहे हैं और प्रवचनों में कितने बार कितने बातें हम कहते हैं, बट कहाँ लोग सीरियसली लेते हैं, कहाँ लोग सीरियसली लेते हैं। तो इसलिए ही तो इस प्रकार से कहा जा रहा है ना। इसलिए ये कन्विक्शन अपने अंदर डेवलप करिए, फॉल्सिटी एंड मिजरी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये दुनिया जो है सच में ये बहुत दुखालयम है और मुझे यहां से निकलना है। एंड भगवान के ऊपर अपने निर्भरता बढ़ाए जा। इसमें प्रभुपाद लास्ट में लिखते हैं, जो लोग कोई भौतिक वांछा लेकर, वन हु डिजायर्स मटेरियल बाय सच डिवोशन लाइफ कैन नेवर डिपेंड ऑन सुप्रीम पर्सनल गॉड ऑल दिस इज इन एवरीवनस हार्ट। भगवान सभी लोगों को हृदय में बैठने के बावजूद भी अगर कोई भक्त अपने भक्तिमय कार्यों से किसी भी प्रकार की भौतिक चीजों की अपेक्षा करता है, देन वो कभी भी भगवान के ऊपर अपना पूर्ण निर्भरता नहीं रख पाता। भौतिक भगवान के ऊपर अपना निर्भरता नहीं रख पाता है। एंड वैसा लोगों को नॉट डज द लॉर्ड गिव एनी डायरेक्शन टू पर्सन्स हु वर्शिप हिम फॉर मटेरियल गेन।
एंड भगवान भी उन्हें निर्देशन नहीं देंगे जो इस प्रकार की इच्छा के साथ जो आता है. सच मटेरियलिस्टिक डिवोटीज मे बी ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड विद मटेरियल बेनिफिट्स बट दे कैन नॉट रीच द स्टेज ऑफ द फर्स्ट क्लास ह्यूमन बीइंग एज मेंशनड अबव. वो उन लोगों की हो सकता है कि उन लोगों की इच्छाओं को भगवान पूरा कर भी ले, भौतिक इच्छाओं को भगवान पूरा कर भी ले, बट फिर भी भगवान कभी भी उन्हें इस प्रकार के स्तर तक नहीं लाते जो फर्स्ट क्लास लोगों के स्तर तक नहीं लाते, जो फर्स्ट क्लास व्यक्ति की निर्वचन जो भगवान यहाँ पर दे रहे हैं भगवत भागवत के अंतर्गत की, जो व्यक्ति इस भौतिक दुनिया का अशाश्वत और दुखालयम की स्थिति को जो समझकर भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से जो निर्भर रहता है वो फर्स्ट क्लास डिवोटी है एंड वो स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे. इसलिए बेहतर है हम उस प्रकार की भौतिक वांछाओं के साथ इच्छाओं के साथ हम भक्ति ना करें और स्वच्छ हृदय के साथ निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करें. तो ये संदेश हम यह श्लोक से प्राप्त होता है. अगला अतो दिचिम दिशम यातु स्वैर अज्ञात गतिर्भवान इतो अर्वाक् प्रायश कालः पुंसाम गुण विकर्षणः. अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा. ये कौन किनसे बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं हमारे विदुर जी धृतराष्ट्र से. कह रहे देखो आगे आने वाला समय और बर्बाद है, तो इसलिए बेहतर है अभी निकल जाओ. तो ये क्या संदेश केवल धृतराष्ट्र के लिए है क्या? ये हम सभी के लिए ही सेम ही वर्डिंग्स है. आगे आने वाले समय और बर्बाद है. अभी देख ही रहे हैं कितने प्रकार की झगड़े होने वाली है आगे जाकर, धर्म के नाम पे, देशों के नाम पे, व्यापार के नाम पे. अब देख ही रहे हैं किस प्रकार की चीजें धीमे धीमे बिल्डअप हो रहे हैं, जैसे मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियंस इत्यादि लोगों के बीच में और टेंशन्स बिल्डअप हो रहे हैं. उसी प्रकार से देश विदेशों के बीच में भी किस प्रकार से चाइना और बाकी कंट्रीज में कैसे बिल्डअप हो रहे चीजें, तो इस प्रकार की ये सारा परिस्थिति आप देखिए, ये सारा एक्सपेक्टेड ही है. ये समझ सोचिए कि ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीज हो रहा है, ये सारे एक्सपेक्टेड ही है. इसी प्रकार से ही कलयुग में होने वाली है और आगे जाकर और खराब होगा. क्या ये सारे चीजें देखने के लिए आप यहाँ पर रहना चाहेंगे? यहाँ से निकलना है. ये आपकी चॉइस है, यदि यहाँ रहकर ये सारे चीजें देखे या यहाँ से निकल जाए. इसलिए बहुत बड़ा बुद्धिमान यही है कि यहाँ की स्थितियां जिस प्रकार से और विपरीत दशा में जो जा रही है, उन स्थितियां और बर्बाद होने तक हम वेट ना करें, हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए. जैसे धृतराष्ट्र को जो संदेश विदुर जी सुना रहे हैं, तो उन संदेशों को हमें सही से सुनना होगा. श्रील प्रभुपाद जी जो दे रहे हैं यहाँ पर और विदुर जी जो धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि आगे आने वाला परिस्थिति और बुरा है करके, इन परिस्थितियों को समझते हुए जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने का निर्णय लेना होगा, निकलना होगा. इसलिए फिर वही व्यक्ति इस दुनिया से निकल सकता है जिसने निर्णय लिया है कि नो मैटर वॉट एवर इट टेक्स आई विल डू टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, चाहे इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए जो कुछ भी मुझे करना पड़े मैं करने के लिए तैयार. इस प्रकार से जिसने निर्णय लिया है तो वो व्यक्ति निकल सकता है, बाकी सभी लोग यही बैग वैग रख के फिर यही रहने की तैयारी रखता है. तो ये भी बात हम यहां से समझ सकते हैं. ठीक है, जैसे हम
आज सुबह ही एक प्रवचन में बता रहे थे कि मुक्ति ये अलग से किसी को हमें देने की जरूरत नहीं पड़ता है। मुक्ति अलग से किसी को हमें देने की जरूरत नहीं पड़ता है, बल्कि मुक्ति का मतलब इतना ही है, ऑलरेडी इतना ही है। जैसा कि एक सोया हुआ व्यक्ति, सोया हुआ व्यक्ति वो अपने सपने में कई प्रकार के सपने देखता है। कोई उनकी गला दबा दे रहे हैं, गला दबाने के कारण सांस नहीं मिल पा रहे हैं, वो बेचारे चिल्ला रहे हैं। कोई सपने देख रहे हैं कि कोई बाघ उन्हें पीछे पड़ गई है, तो उसकी वजह से बेचारा दौड़ रहा है। एंड कोई ऐसा सपना देखता है कि ऊपर से बिल्कुल छत से वो नीचे गिरते हुए वो अपने आप को अनुभव करता है। तो इस प्रकार की जो ये ऐसा जो अनुभव है उनके कारण कई बार लोग सोते सोते चिल्लाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और बिकॉज उनको ये सारा अनुभव हो रही है, उनको एक्चुअली लग रहा है कि बाघ उनके पीछे पड़ गई, कभी भी वो बाघ उन्हें पकड़ कर खा सकती है। उस प्रकार सच में उन्हें लग रहा है, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। दूसरी प्रकार से जो जिनकी गला दबाए जा रहे हैं तो उनको भी ऐसे ही अनुभव होता है कि कोई सच में गला दबा रहा है, उनको सांस नहीं मिल पा रहे, तो इसलिए वो उसी प्रकार से उनके सांस भी बिल्कुल फूल जाते हैं उस समय। तो उस प्रकार से सच में लोग अनुभव करते हैं इस प्रकार से। तभी प्रश्न ये है, तो अभी ये व्यक्ति जो भी देख रहा है ये सारा कुछ खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? बस उन्हें अपना नींद से जगाना होता है, उनको कुछ और करने की जरूरत नहीं, बस उनको पकड़कर अब हिला दो और जगा दो उन्हें। प्रभु जी आप ये सारा को सपने में देख रहे हैं, रियलिटी में आ जाओ करके बस उन्हें जगा दो। जगने मात्र से उनके सारा जितने भी कष्ट वो देख रहे थे सपने में, वो सारा कष्ट खत्म हो जाता है। जितने भी कष्ट वो अपने जीवन में हो रहे करके जो अनुभव कर रहा था वो सारा कुछ अपने आप खत्म हो जाता है केवल जगने मात्र से। उसी प्रकार से जितने प्रकार की मेंटल और जितने प्रकार की मानसिक या शारीरिक कष्ट जो कुछ भी हम भौतिक दुनिया के अंतर्गत अनुभव करते हैं, ये सारा सारे के सारे भौतिक कष्ट बस एक दम से खत्म हो जाएगी अगर हम बस इतना करें, हम जो सोए स्थिति से हम अगर जग जाए, हम सोए स्थिति से बस जग जाए, इफ यू वेक अप टू द रियलिटी, अगर जो वास्तविकता में अगर हम वास्तविकता की ओर हम जग जाए। वास्तविकता मतलब जैसा कि हम अभी झूठ में रह रहे हैं अपने आप को शरीर समझते हुए, वास्तविकता मतलब क्या है? हम शरीर निर्मात्मा है। तो उस प्रकार की झूठ से वास्तविकता की ओर आए, देन फिर सारा कष्ट नष्ट सब कुछ खत्म, देन कुछ नहीं रहेगा, केवल इसी कारण से होता है। केवल जगना होगा, जगना ही मुक्ति है बस, और क्या मुक्ति है? उनको अलग से कोई करने की जरूरत नहीं पड़ता, केवल वो जो सोया हुआ व्यक्ति को जगाना पड़ता है, जगने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो गया, खत्म हो गया, वही मुक्ति है और क्या। एंड उसी प्रकार से कोई बंदर एक बॉटल के अंतर्गत हाथ रख के उस बॉटल में चना पड़ा हुआ है, उनको खाने की खूब इच्छा है कि चना खाने की, उस बॉटल में हाथ घुसा दिया और घुसाकर फिर वो चना पकड़ लिया उसने, और चना पकड़ के फिर आपने हाथ निकालना चाह रही थी, जब हाथ निकालने का प्रयास करी देन फिर वो उनके हाथ नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि उस बॉटल की जो नेक है बहुत छोटा सा था, उनके काली हाथ तो घुस गया, अभी चना से भरा हुआ हाथ तो निकल नहीं पा रहा था। अगर उनको अपना हाथ निकलना है तो फिर क्या करना है? बस उनके हाथ में जो चना पड़ा हुआ है उस चना को छोड़ देना होगा। अगर आप चना भी चाहिए हाथ भी चाहिए तो नहीं होने वाली, चना और हाथ दोनों नहीं आएगी। अगर आपको हाथ निकालना है तो फिर चना छोड़ना पड़ेगा, हाथ निकालना चाहते हो तो फिर चना छोड़ना पड़ेगा, और फिर चना छोड़ना है, चना छोड़ना ही मुक्ति का कारण बन जाएगी, बस उन आसक्तियों को छोड़ना है बस। उसी प्रकार से यहाँ पर धृतराष्ट्र खुद से चना छोड़ नहीं रहते,
खुद से चना नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए भगवान विदुर जी को भेजे हैं कि दो तीन थोड़ा सा कठिन बातें बोलकर उनसे चना छुड़वा दो। इसलिए विदुर जी दो तीन गाली दिया, तुम कुत्ते हो ऐसा हो वैसा हो करके गाली देकर उनसे चना छुड़वाने का प्रयास करे। धृतराष्ट्र हमसे फिर भी बेहतर है, केवल गाली खाकर वो छोड़ दे रहे हैं, तो हम तो गाली खाकर पिठाई खाकर फिर भी छोड़ नहीं रहे, फिर भी चना को हाथ में ही पकड़ रखे हैं। तो चना को छोड़ देंगे देन फिर मुक्ति हो गया, बस और क्या मुक्ति है। तो इसलिए बात समझना पड़ेगा कि पकड़ा किसने, पकड़ा हमने, फिर छोड़ना भी हमें ही पड़ेगा, छोड़ना भी हमें पड़ेगा, ना काउंसलर करने वाला ना गुरु करने वाला है। वो लोग तो पिटाई करने में गाली देने में विदुर जी की तरह मदद करेंगे, पिटाई करने में और गाली देने में मदद करेंगे, चाहे तो माया को दो दिन प्रार्थना करेंगे, माया देव बिचारे छोड़ नहीं पा रहे खुद से, दो तीन आप लात मारो ताकि वो छोड़ दे, उस प्रकार की प्रार्थनाएं किया जा सकता है। क्योंकि हम कहाँ पिटाई कर पाएंगे, फिर हमें वैष्णव अपराध लग जाएगी। तो माया देवी से थोड़ा रिकमेंडेशन करते कि माया देवी आप कर लेना, इस प्रकार के कार्यों को भगवान ने भी माया देव को लगा दिया, तो हम भी उन्हीं से ही प्रार्थना करते, माया देव थोड़ा सा आप देख लिए इस केस को, ये खुद से छोड़ नहीं रहे हैं, इन पर कुछ ऐसा करना जिससे वो खुद छोड़ सके। तो उस प्रकार से माया, इस प्रकार से चना छोड़ना पड़ेगा, चना छोड़ना पड़ेगा तब निकल पाओगे। तो आप सोच लीजिए आपके जीवन में क्या चना बनी है, किस प्रकार के चना का आपने पकड़ा है, ये आप एक बार जरा सोच लीजिए आपके जीवन में क्या चना है। किसी के जीवन में चना हो सकता है, उनका पत्नी हो सकती है, या ना तो उनका बच्चे, नहीं तो इंद्रिय तृप्ति, नहीं तो सुविधाएं, नहीं तो घर परिवार, नहीं तो संपत्ति, नहीं तो नाम की इच्छा, नहीं तो अहंकार की तुष्टि। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार की चना हो सकती है, वैरायटी है चना में भी, लाल वाला, ग्रीन वाला, पीला वाला चना होता है ना, उस प्रकार की वैरायटी है, सारे अलग अलग प्रकार की चना है। जिनको जो चना पसंद है वो पकड़ लेते हैं, जिनको पत्नी पसंद है पत्नी वाला चना पकड़ लिया, किसी को बच्चे पसंद है बच्चे वाला चना पकड़ लिया, और किसी को सुविधाएं पसंद है सुविधा वाला चना पकड़ लिया किसी ने। तो आप कौन सा चना पकड़ लिया आप एक बार सोच, देन फिर वो चना छोड़ने का प्रयास करो, देन खुद ही निकल जाओगे, देन और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देन फिर इतने सारे क्लास विवास क्या करनी, बस चना छोड़वाने का ही प्रयास है। देखिए फिर जब तक चना नहीं छोड़ेंगे ना, आप बॉटल से जब चना छोड़कर हाथ निकालेंगे तभी तो हम गुलाब जामुन आपके हाथ में पकड़ आ सकते, भक्ति रूपी गुलाब जामुन, नहीं तो कैसे कहाँ पकड़ पाएंगे। इसलिए आपके हाथ ऑलरेडी भरा हुआ, इसलिए हम भक्ति दे तो रहे, बड़ा पकड़ने के लिए हाथ खाली नहीं है, हाथ बिल्कुल भरा हुआ है, इसलिए हम गुलाब जामुन खिलाना चाहते, बट आप चना के पीछे पड़े हो, तो फिर चना छोड़ो गुलाब जामुन मिलेगी। अगले, एवं राजा विदुरेनानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधिता आजामीदः चित्पाश्वेषु स्नेहपाशं द्रदिब्नोम निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शिताद्वा। इस प्रकार आजमीर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पास तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। वही हम सोच रहे धृतराष्ट्र बेचारा कितने सालों से नाशक्तियों को धीमे धीमे कल्टीवेट करते हुए आ रहे थे,
एंड उनकी ऐसा बुरा आसक्ति है कि उनको पता था जो दुर्योधन कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, बट फिर भी वो अपना आसक्ति के कारण वो बोल नहीं पा रहे थे, दुर्योधन को कह नहीं पा रहे थे। उनको समझ आ रहा था कि ये गलत कर रहे हैं, आगे जाकर दिक्कत हो सकता है, बट फिर भी ऐसा आसक्ति है, आसक्ति कारण कुछ बोल नहीं पा रहे बेचारे। इसलिए आसक्ति एक ऐसा चीज है जो कि हमें सही मार्ग पता होते हुए भी गलत रास्ते में ही रखेगी। जैसे कई बार लोग पूछते हैं प्रभु जी, कई बार तो हमें पता तो चलता है क्या सही है क्या गलत है, क्लियरली पता चलता है कि ये सही है गलत है, बट फिर भी सही को चुन नहीं पाते हैं, फिर भी मन हमें गलत रास्ते में क्यों ले जाती है? उसका मूल कारण आसक्ति है। जैसा धृतराष्ट्र भी, उनको सही क्या है गलत क्या है पता चल रहा था, बट फिर भी यह आसक्ति ही वो उनके पुत्रों के प्रति, उस देश के प्रति, उस पद के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति के कारण देश के प्रति, पद के प्रति, उनके पुत्र के प्रति जो आसक्ति के कारण वो सही रास्ता पता होते हुए उस रास्ते पे चल नहीं पा रहे, उनकी आसक्ति चलने ही नहीं दे रहा था। तो इस प्रकार की आसक्ति जो कि आपको सही मार्ग पता होते हुए भी चलने नहीं देती है, अगर उसको जब तक आप बना कर रखेंगे तब तक आप सही रास्ते पे चल ही नहीं पाओगे। इसलिए अगर सही रास्ते पे चलना भी है तो आसक्ति को काटना पड़ेगा। देखिए, लोग आसक्ति को एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं, देखिए एडजस्टमेंट नहीं होने वाली यहाँ पर। आसक्तियों एडजस्ट करने का प्रयास मत करो, आसक्तियों को काटना ही उपाय है, बस आसक्तियों को काटना ही उपाय है। उसको एडजस्ट करेंगे प्रभु जी, थोड़ा प्यार से डील करेंगे, एडजस्ट कर देंगे, और प्यार से डील करते करते इतने जन्म ले लिया हमने, आज तक कभी प्यार हुआ ही नहीं, सारा कचड़े में डालते फंसाते फंसाते जा रहे सेप्टिक टैंक में। सच में सेप्टिक टैंक में हम लोग है, पता नहीं आप लोगों की कभी अनुभव है या नहीं सेप्टिक टैंक में जाने की, बट असलियत में सेप्टिक टैंक ही है, ये बहुत दुनिया उस प्रकार की गंदगी है। इसलिए भागवतम में इसमें काटने का ही उपाय बताया जाता है, इसे सुलझाने की उपाय नहीं बताया जाता है, क्योंकि इस आसक्ति की गांठे इतने सूक्ष्म हैं कि आप वैसे सूक्ष्म गांठों को आप कितने भी खोलने का प्रयास करो वो गांठे और उलझ जाती है। जैसे कभी कभी माताओं की बाल वाल जो है वो फंस जाती है, आपस में गांड लग जाती है, क्योंकि इतना पतला पतला बाल होता है, और जो लोग शिकावी रखते हैं वो शिकावी कई बार फंस जाता है, एंड वो पतला पतला गांड खोलने में तो जीवन निकल जाए, पर गांड नहीं खुलेगी। तो वैसे समय पर क्या करना होता है, सीजर लो और काट दो, खत्म हो गया। उसी प्रकार से नहीं तो फिर वो खुलेगा ही नहीं, खुलता ही नहीं वो, आप कितना खोल पाएंगे, इतना पतला पतला बाल जो है जब फंस जाती है तो कहाँ खोल पाएंगे। तो इस प्रकार से खोलने का कोई विधान नहीं बताया जाता है यहाँ पर भागवतम में ना, इसलिए एक श्लोका में इस प्रकार से कहते हैं, मैं भूल गया, भागवतम सुनने से जो फायदा के विषय में बताते हुए कहते हैं कि भागवतम सुनने मात्र से इस प्रकार की जो भी गांठे जो हमारे हृदय में लगी हैं वो सारा गांठे जो है वो कट जाती है, खुल जाती है करके नहीं, कट जाती है। इसलिए कौन कुरियात कथा रहते हैं, इसलिए कौन से ऐसा व्यक्ति है जो कि भगवान की कथा में रुचि नहीं लेगा। करके वहां पर बताया जाता है,
इसलिए हमें समझना होगा कि गांठों को काटना पड़ेगा, आसक्तियों को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ेगी भक्ति में प्रगति करना। बिकॉज ये आसक्तियां सारे ऐसी है, जैसा भक्तिदास महाराज भी एक उदाहरण देते हैं, जैसा कि एक बार एक बारात पार्टी को शादी में जाना था एंड उनको शादी में पहुंचने के लिए उन्हें नदी पार करना है। नदी पार करने के लिए वो लोग एक नाव को हायर कर लिए थे। फिर वो रात के समय था, सुबह सुबह मुहूर्त है, सुबह तक उन्हें पहुंचना था, इसलिए रात को ही वो लोग नाव पकड़े ताकि जल्दी पहुंच जाएंगे तो काम वाम कर लेंगे। देन फिर वो रात को फिर नाव पकड़ लिए। फिर नाव वाले ने कहा कि अरे आपको बस हम एक घंटे में पहुंचा देंगे वहां पर, बस एक या दो घंटा लगेगा, दो घंटे में पहुंच जाएंगे उस तरफ उस पार। देन फिर सभी लोगों को बिठा दिया एंड फिर नाव चलाने लगे थे एंड नाव चला रहे थे और नाव हिल भी रहा था और नाव एक घंटा चलाया, दो घंटा चलाया, तीन घंटा चलाया, चार घंटा चलाया, पांच घंटे हो गया। धीमे धीमे सुबह होने जा रहा था। फिर लोग सोचने लगे अरे ये क्या सुबह होने जा रहे हैं, अभी चार, उन्होंने कहा कि दो घंटे में पहुंचा देंगे, पांच छह घंटा होते होने जा रहे हैं तो ये तो सुबह होने जा रहे हैं, हमारे शादी का मुहूर्त होने जा रहे हैं, तो फिर क्या करें। तो फिर उनसे पूछा कि अरे क्या चल रहे हैं। देन जैसा जैसा सुबह होने लगी देन फिर वो नाव वाले कह रहे थे अरे मैं तो कितना मेहनत कर रहा हूँ नाव को, आप लोग देख ही रहे, मैं खूब चला रहा हूँ, फिर भी मैं क्या करूं, ये नाव चल मतलब ये इतना विपरीत हवाएं चल रही जिसकी वजह से तो नाव चल नहीं पा रहे हैं सही से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम आप लोग समझ नहीं सकते हो। फिर इस प्रकार से वो अपना बहाना मार रहे थे। फिर जैसा सुबह होगी देन फिर सब कुछ दिखने लगा, देन फिर दिखने लगा तो उन्हें समझ में आएगी कि वो लोग जिस तट पे छड़े थे वही कत उसी तट पे ही है। बेचारे वो उस नाव को लंगर से खोलना भूल गए थे, लंगर से खोले बिना नाव चला रहे थे। फिर वैसा नाव को आप जितना भी चलाएं लंगर को खोले बिना क्या नाव आगे बढ़ेगी। उसी प्रकार से ही लोग माला तो खूब कर रहे हैं बट आसक्ति को छोड़ ही नहीं, आसक्ति को भी तो छोड़ना पड़ेगा नाव, वो नाव चलाते चलाते ना, तो भक्ति करते करते फिर आसक्ति को भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आज हम एक श्रील प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहे थे, उस प्रवचन के अंदर श्रील प्रभुपाद जी बात कहते हैं टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन ह्यूमन लाइफ, तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें एक मनुष्य जीवन के अंतर्गत है, प्रभुपाद जी कहते हैं ये ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये हमें भक्ति के अंदर विकसित करना पड़ेगा। इसलिए ये विकसित होंगे तो आप भक्ति अच्छा कर पाओगे एंड भक्ति अच्छा करेंगे देन फिर ये विकसित होंगे, ये दोनों म्यूचुअली आपने आपको सपोर्ट कर दिए। भक्ति अगर ये दोनों विकसित होगी देन फिर आपकी भक्ति में धीमे धीमे और दृढ़ता आएगी एंड भक्ति और दृढ़ता आएगी देन फिर ये दोनों विकसित होंगे ज्ञान। इसलिए एक श्लोक में भागवत में कहा जाता है वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद् हेतुकम्। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित, जो भक्ति योग में आगे बढ़ता है देन फिर क्या होता है जनयति आशु वैराग्यम। आशु हो मतलब बहुत जल्दी ही तुरंत ही, जनयति मतलब प्रकट होता है, क्या प्रकट होता है आशु वैराग्यम वैराग्य विरक्ति प्रकट होता है, फिर वैराग्य आधार पर ज्ञान भी प्रकट होगा, वैराग्य और ज्ञान दोनों प्रकट होगी। अहेतुकी ज्ञान और अहेतुकी वैराग्य प्रकट होगी एंड ये दोनों प्रकट होने के कारण व्यक्ति और अच्छा से भक्ति। तो उस प्रकार से हमें ये ज्ञान और वैराग्य बहुत ही महत्वपूर्ण भक्ति के अंदर बहुत महत्वपूर्ण।
इन कम से कम अभी यहाँ पर धृतराष्ट्र को अभी समझ में आ गया, कम से कम अभी अपना कौन विदुर विदुर महात्मा की बातें उन्हें समझ में आ गया, देन इसलिए फिर अभी निकल पा रहे। विदुर जी की बातें समझ में आ गई तो फिर निकल पा रहे थे, तो इसलिए आप भी विदुर जी की बातें सुनिए एंड फिर जल्दी से जल्दी अपने आसक्तियों को छोड़िए। देखिए अल्टीमेटली तो छोड़ना ही तो पड़ेगा ना, इधर छोड़ो या छुड़वाई जाएगी। अगर छोड़ेंगे तो फिर सभी लोग माला पहनाकर प्रभु जी आप बहुत बड़ा वैरागी है, प्रभु जी बहुत बड़ा सन्यासी है, बहुत बड़ा ब्रह्मचारी है करके आपको माला पहना कर फिर आपको प्रणाम करेंगे। जब छुड़वाई जाएगी देन माला नहीं, माला भी नहीं मिलेगा ना प्रणाम मिलेगा, माला भी नहीं मिलेगा प्रणाम भी नहीं मिलेगा, दूसरी और खूब पिटाई होगी छुड़वाने में एंड फिर लोग कहेंगे ये मूर्ख खुद से छोड़ नहीं रहा था, देखो इन्हें कैसे निकालना पड़ा, घसीट घसीट कर इन्हें निकालना पड़ा, है ना, छोड़ नहीं रहते देखो फिर उन्हें कैसे छोड़वाना पड़ेगी, कितना आसान है। तो फिर अल्टीमेटली दोनों को छोड़ना पड़ रहा है, जो व्यक्ति छोड़ रहा है जो इस प्रकार से छोड़ रहा है दोनों को छोड़ना पड़ रहा है। जैसे युधिष्ठिर महाराज देखिए, जैसा उन्हें पता चली भगवान श्री कृष्ण की अपराकट्य होगी तुरंत युधिष्ठिर महाराज निकल गए थे, अपना राज वही का वही छोड़कर पीछे मुड़े बिना जैसे उन्होंने सुना तुरंत निकल गए। एंड जैसे युधिष्ठिर महाराज निकले थे फिर सारे पांडव द्रौपदी सभी पीछे पीछे निकले, उनको कोई और समझाने का बोलने का प्रवचन देने का जरूरत नहीं पड़ा। बट यहाँ पर धृतराष्ट्र को बहुत कठिन बातों के साथ प्रवचन देना पड़ रहा है उनसे छुड़वाने के, अल्टीमेटली दोनों छोड़ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से छोड़ने के कारण प्रभु जी को नाम और नंबर दे देते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं भी रजिस्टर कर रहा हूँ, सब लोग हम लोग सब जॉब करने वाले हैं। नाम तो युधिष्ठिर महाराज की वैराग्य के विषय में लोग कहते हैं अरे युधिष्ठिर महाराज कितना बड़ा त्यागी है, वो जैसे उन्हें पता चला तुरंत वो छोड़कर गए थे। परीक्षित महाराज भी तो छोड़कर गए थे बट परीक्षित महाराज खुद से छोड़कर जाने के कारण उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है, बट वही धृतराष्ट्र को भी छोड़कर जाना पड़ रहे हैं। बट खूब लात पड़ने के बाद और खूब कठिन बात सुनने के बाद वो छोड़ पाए, और उनको नेगेटिव एग्जाम्पल के लिए के रूप में अभी हम उपयोग कर रहे हैं, वही परीक्षित महाराज को पॉजिटिव एग्जाम्पल के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली छोड़ना तो पड़ ही रहे हैं ना, देन छोड़ना पड़ ही रहे हैं, देन बेहतर है माला और प्रणाम के साथ क्यों ना छोड़े, है ना, छोड़ना ही पड़ेगा तो फिर इसके साथ क्यों ना छोड़े, क्यों गाली का कर फिर पिटाई पिटवा कर खूब अच्छे से देन क्यों छोड़े, पहले से छोड़ो। तो ये बुद्धिमानी के कार्य है, इसलिए समझिए क्या करना है, तो उसी प्रकार से निवृत्ति मार्ग के अनुसार अपना प्लानिंग करिए, अपना प्लानिंग सारा निवृत्ति मार्ग के अनुसार करनी होगी, चाहे जो गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे जो भी हो उन्हें निवृत्ति मार्ग पे आना ही होगा। ऐसा नहीं कि गृहस्थ मतलब वो बिल्कुल मरने धम तक बस यही रहेंगे, हमें बिल्कुल लाइसेंस मिल गया बस गृहस्थ आश्रम मतलब इसी प्रकार से रहना करके, तो नहीं, वहां से भी तो निकलना ही है ना, वहां से लोग निकलते नहीं है तभी गाली खा कर फिर बैठते हैं घर पे, तभी तो आज के समय पे तो लोग अपने माता पिता को सम्मान नहीं देते, बिकॉज उन लोगों को आगे बढ़ना था, वो आगे बढ़े बिना फिर वही रह रहे हैं, फिर बच्चों के गाली खा रहे बस। इसलिए बेहतर है पहले से समझना पड़ेगा, गृहस्थ भी क्यों ना हो फिर निकलना ही उत्तम है, अगर कम से कम अपने आखिर समय पर भी क्यों ना हो, अगर अपना पूर्ण कंप्लीट टाइम जब भगवान की सेवा में नहीं देंगे कहाँ पार्ट टाइम भक्ति होगा,
कभी जॉब, कभी पत्नी, कभी बच्चे, कभी जॉब, कभी बच्चे, कभी पत्नी, कभी माला, बीच बीच में कब तक ऐसा करते रहेंगे, है ना। तो इसलिए फिर जल्द इसी प्रकार का प्लानिंग करनी चाहिए ताकि व्यक्ति निकल सके निवृत्ति मार्ग के अनुसार, नहीं तो विदुर महात्मा को भेजना पड़ेगा आपके पास कि जाओ उन्हें भी समझाओ। इसलिए विदुर महात्मा काम में मत लगाई, खुद से ही छोड़ो, भगवान देखेंगे जो होना है। ठीक है, आज की लास्ट श्लोक का, पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री पति व्रता चानु जगाम साध्वी हिमालयम् न्यस्तदंड प्रहर्षम मनश्विनामि वसत् संप्रहारः। गंधार, गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उनके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के साथ पति के पीछे पीछे चल पड़ी। तो उस प्रकार से गांधारी भी पति के पीछे वो भी चल पड़ी, क्योंकि धृतराष्ट्र वो तो युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद सारा सुविधाओं के साथ धृतराष्ट्र महाराज को बिल्कुल सम्मान के साथ सारा सुविधाओं के साथ काफी सुविधाजनक जीवन दिए थे धृतराष्ट्र को, फिर इसलिए वो बिल्कुल मस्त थे अपने जीवन में, उनको लग रहा थी मैंने सोचा मेरे ट्रीटमेंट ठीक ठाक ही हो रहे, कोई बात नहीं, सारा सुविधाओं को कोई कमी नहीं है, तो यही रहते करे कंफर्टेबल रह रहे थे। तभी फिर विदुर महात्मा आकर फिर उन्हें छुड़वाए थे। फिर जब इस प्रकार से धृतराष्ट्र चलने लगे उनके पीछे पीछे गांधारी भी चलने लगे, गांधारी भी चलने लगी। आइडियली इसी प्रकार से होता है कि जीवन को चार भागों में विभाजन किया जाता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। और गृहस्थ आश्रम के बाद मतलब 50 साल के उपरांत 51वां साल, 51 मतलब वन मतलब समझ ले कि वानप्रस्थ लेना चाहिए 51 पे, तो जैसे 51 आता है तो वानप्रस्थ लेनी चाहिए। देन फिर उस वानप्रस्थ जीवन में पति पत्नी दोनों मिलकर तीर्थ यात्रा में चलते हैं, तीर्थ यात्रा में चलते हैं और पूरा तीर्थ यात्रा करने के उपरांत देन फिर जब पति वापस लौटता है देन फिर पत्नी को अपने बच्चों की देखभाल में छोड़ता है, देन फिर उसके बाद पति संन्यास लेकर पूरा संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से लगभग 25 साल तक इस प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम, बाकी 25 साल इस प्रकार से संन्यास आश्रम, इस प्रकार से हुआ करता है। तो उसी प्रकार से ही करनी चाहिए। अभी तो इतना साल तो रहेंगे भी नहीं, आप सोचिए अभी 100 ईयर्स का टाइम भी नहीं है, 100 ईयर्स का लाइफ स्पेन तो नहीं है ना, अभी कहा 60-70 साल में ही सारा पैक वैक करके निकल जा रहे, 70 साल में ही सब कुछ खत्म हो जा रहे मैक्सिमम ये भी, एंड उतने समय में ही आपको सारे चारों चीजें ग्रेजुएट कर लेनी चाहिए। मतलब आप सोचिए इसका मतलब गृहस्थ आश्रम 51 साल से पहले ही निकलना पड़ेगा, गृहस्थ आश्रम को 51 साल से पहले निकलना पड़ेगा तभी तो आपके पास समय रहेगा ना। एंड आजकल लोग एक तो 70 साल में उनका सारा खत्म भी हो जा रहा है एंड फिर साथ ही साथ बहुत शारीरिक रूप से बहुत कमजोर भी पड़ जा रहे हैं, एक 40 साल के बाद ना शारीरिक रूप से बहुत कमजोर भी पड़ जा रहे हैं, हर प्रकार की बीमारी, घुटनों में दर्द, ये वो सारा कुछ शुरू हो जाता है। देन फिर इसलिए एडवांस स्टेज में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा, इसलिए आप ये मत सोचना कि मैं थोड़ा सा लेटली में वानप्रस्थ लूंगा 60 साल के बाद 65-65 साल के बाद हम जाएंगे, नहीं 51 साल भी लेट है अभी तो, 51 साल भी लेट है बिकॉज कितना साल बची है उसके बाद, वो ज्यादा ज्यादा बच्चा बच गया व्यक्ति बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त आयन स्ट्रांग व्यक्ति रहा देन फिर आयन मैन रहा था फिर 70 साल तक जीता फिर उसके बाद उनका भी हालत रहा उतना तक जी रहे, तो फिर आपके पास भी है ही 20 साल
तो उतने में ही आपको संन्यास भी लेना है, वानप्रस्थ आश्रम भी जी लेना है, तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए फिर तो उस प्रकार से अपना जीवन को बनाना चाहिए जिससे फिर जल्दी से जल्दी हम काम खत्म करें। एंड फिर अपना फाइनेंशियल प्लानिंग भी उस प्रकार से करनी चाहिए, गृहस्थों को फाइनेंशियल प्लानिंग भी उस प्रकार से करनी चाहिए ताकि उनको जीवन भर इसी प्रकार से नौकरी ही करना न पड़े। देखिए जीवन भर आप अपने बॉस का सेवा ही करेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ, बॉस के पास ही तो जाएंगे। आज सुबह ही प्रभुपाद जी कह रहे सदा तद भाव भाविता, जिनकी भावना में रहेंगे जिनकी सेवा करेंगे फिर उन्हीं के पास जाएंगे। अगर बॉस का ही सेवा करेंगे देन जहां पर भी जाएंगे आपको वही जनरल मैनेजर दिखाई देंगे, देन फिर लगे अरे आप यहाँ पर भी आप ही हैं मेरे मालिक, वहां पर भी वही दिखाई देंगे। तो फिर उन्हीं का सेवा किया आपने तो फिर उन्हीं के पास जाएंगे, तो कब फिर कृष्ण की सेवा कब शुरू करेंगे, गुरु की सेवा कब शुरू करेंगे। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी इस प्रकार से करनी चाहिए ताकि व्यक्ति को जीवन भर इस प्रकार से नौकरी करना ना पड़े। अभी कम से कम खर्चे के साथ अपने, ऐसा नहीं कि हम इतना कमा रहे तो पूरा 1 लाख कमा रहे तो 1 लाख रुपए पूरा खर्च करते, नहीं कम से कम अभी खर्चा करे बाकी सारा बचत करे ताकि वो आगे जाकर अगर जॉब छोड़ भी दे देन फिर वो ही हैव एम्पल ताकि उनको फाइनेंशियली आगे जाकर जॉब करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए सिंपल लिविंग के साथ अभी भी हम अपना जीवन व्यतीत करनी चाहिए, हालांकि अभी हम कमा भी रहे हैं बट हम सिंपल लाइफ हमें रखनी चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी जॉब छोड़कर हम फुल टाइम भगवान की सेवा में दे सके, फुल टाइम भगवान की सेवा में दे सके। लेकिन फुल टाइम भगवान की सेवा में नहीं देंगे देन फिर अगला जीवन दोबारा आकर वही नौकरी पकड़ना पड़ेगा, तब तक इसी प्रकार इसी चक्कर में पड़े रहेंगे ना, तो फिर इसलिए फिर कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा। तो उसी प्रकार की प्लानिंग करनी चाहिए, तो एटर्नल जॉब करेंगे तो एटर्नल यही रहोगे, तो उस प्रकार की प्लानिंग के साथ सभी तैयारी करिए। इसलिए धृतराष्ट्र की कहानी सुनाई जा रहे हैं, पहला स्कंद में ही सुखदेव गोस्वामी बहुत बुद्धिमान के पहला स्कंद में डाल दिए थे वैराग्य। तो धृतराष्ट्र कैसे अपने घर छोड़ रहे हैं ये बहुत ही शिक्षा लेने वाली प्रसंग है, इसे आप बार बार पढ़िए और समझिए एंड फिर जल्दी से जल्दी हम अपना मन बनानी चाहिए, फिर उसी प्रकार से अपना फैमिली प्लानिंग सब कुछ उसी प्रकार से करनी चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी हम निकल सके, जल्दी जल्दी निकल सके। एंड कम आप ये मत सोचिए कि मैं सब कुछ सेटल कर दूंगा तब निकलेंगे, सब कुछ सेटल करते रहेंगे तो हमारा मरने का भी सारा लकड़ी वकड़ी की व्यवस्था आप ही कर लो, फिर वो भी सेटल वो भी व्यवस्था कर लो, क्या करें फिर सारा सेटल करके तो निकल नहीं पाएंगे, फिर कहीं ना कहीं छोड़ना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं छोड़कर ही निकलना पड़ता है। जो होगा देख परीक्षित महाराज को जब पता चली कि मुझे अभी शाप मिल गया मुझे 7 दिन में मरना है, क्या अकाउंट सेटल कर रहे थे अकाउंट ऑफिस में जाके, देखिए अभी सारे हिसाब निकाल दो अभी एक ही हफ्ता बचा है सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, सारे किनको क्या हिसाब देना है क्या लेना है सारा सेटल कर देते हैं फिर उसके बाद निकल जाएंगे, फिर लास्ट में 1-2 घंटा बच जाता है देन सुखदेव गोस्वामी सब भागवत कथा सुनेंगे। तो इस प्रकार से अकाउंट ऑफिस में जाकर अपने लॉयर को जज को सभी लोगों को बुला कर फिर उनके साथ सेटलमेंट नहीं कर रहे थे, फिर जैसा पता चला तुरंत निकल पड़े, तुरंत निकल पड़े। यहाँ पर तो 2-3 लोग आपके ऊपर निर्भर है, वहां पर तो पूरा का पूरा राज उनके ऊपर निर्भर था, फिर भी निकल पड़े। तो उस प्रकार से हवा में करने के लिए हम नहीं करें, इसलिए पहले से समझा रहे हैं ना कि पहले से आप अपना उस प्रकार की प्लानिंग करो जिससे आप जल्द से जल्दी निकल सके, बट कंप्लीट परफेक्ट सेटलमेंट के साथ तो नहीं निकल पाओगे, कहीं ना कहीं तो छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, क्षमा करें अगर किसी को थोड़ा स्ट्रांग लगा
बट क्या करें, अगर मैं नहीं बोलूंगा, मैं कहूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, आप यही रहो, हम आपके साथ हैं, हम आपको साथ देंगे, हम आपके साथ नहीं देंगे, क्या आप यही मन बना लिया तो फिर क्या साथ देंगे फिर यार, अगर चलना है तो चलो साथ। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी का भी कोई प्रश्न है तो वो अपना हैंड रेस कर दीजिए, हम उन्हें अनम्यूट कर देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी, बहुत अच्छा लगा सेशन। प्रभु जी, जल्दी से समेटने के लिए संसारी की जब जन्म लिए हैं तो लगता है कि हम तरह बच्चे को सेट कर लें, बड़े लड़कियां हैं तो उनकी कर लें, तब जाकर के तैयारी करे जाने की, तो ये तो होता ही है ना कि हम ये भी हम पूरा नहीं करते हैं, जल्दी चले जाएं, जीवन संन्यास ले लें, तो ये कहाँ तक उपयुक्त है प्रभु जी? अच्छा तो लग रहा है, बट ये भी है आधुनिक युग में सांसारिक जीवन में जिसको हमने जन्म दिया है उसके अगर हम उसका करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, धृतराष्ट्र भी सेटल ही करा रहे थे अपने बच्चों को। धृतराष्ट्र दुर्योधन को सेटल करने के ही चक्कर में थे, बट सेटल करते करते पहले बच्चे निकल गए। सेटल होते और कराते पहले बच्चे निकल गए, फिर उसके बाद उन्हें भी निकलना पड़ा। तो उस प्रकार से आप कंप्लीटली सेटल तो नहीं करा पाएंगे, कंप्लीट सेटल तो नहीं करा पाएंगे, टू सम एक्सटेंट जो कि बेसिक सपोर्ट हम दिया, देन फिर हम फिर हमें जिम्मेदारी उनको उनको देनी चाहिए। जैसे आप देखिए अमेरिका में कौन सा पेरेंट्स है जो कि अपना बच्चों को पूरा मरते मरते दम तक पालते हैं, 10-11 साल की उम्र से ही बच्चे अलग हो जाते हैं, फिर बच्चे खुद ही काम करके अपना कमाई करके अपना पढ़ाई कर रहे हैं उतने उम्र से। तो उस प्रकार से भी तो करने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप सपोर्ट करिए, बट जीवन भर ही सपोर्ट में आप कर जाएंगे तो देन फिर, क्योंकि कलयुग में एक महत्वपूर्ण लक्षण हम बताते हैं, कलयुग में 5 लक्षणों के विषय में महाभारत युधिष्ठिर महाराज के पास, युधिष्ठिर महाराज के पास भीमसेन के पास एक पूरा स्टोरी है, कभी बताएंगे हम। कलयुग में एक व्यक्ति आता है भीमसेन के पास, ये कहते हुए देखिए एक गाय जो है अपने बछड़े को चाटते चाटते उस बछड़े को ही बछड़े की शरीर से खून निकलने लगा और फाइनली वो बछड़ा मर गई। गाय चाट रही थी, उस चाटते चाटते बच्चे की शरीर से खून निकलने का फाइनली बछड़ा ही मर गई। देन भीमसेन को समझ नहीं आया, युधिष्ठिर महाराज के पास गए थे, युधिष्ठिर महाराज उसको समझाने, देखिए ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग का क्या लक्षण है? माता पिता अपने बच्चों का ओवर केयर करने लगेंगे, ज्यादा पैम्परिंग करने लग जाएंगे, उस ज्यादा पैम्परिंग करने की वजह से बच्चे बिगड़ जाएंगे। आजकल की बच्चे बिगड़ने का मूल कारण माता पिता है, मूल कारण माता पिता है, बिकॉज दे आर ओवर पैम्परिंग। बच्चे को कुछ डांटिंग नहीं, बच्चों के अंदर ना कोई भय है, कुछ भी नहीं है। ऐसा बच्चे, क्योंकि शास्त्र में क्लियरली बच्चों को एक उम्र के बाद प्रताड़न करना अनिवार्य है, बट नहीं करते लोग, डांटते भी नहीं और डांटने भी नहीं देते, और किसी के प्रति भी कोई भय नहीं है, देन फिर ऐसा क्या करेंगे, इसलिए बिगड़ जा रहे हैं। तो उसकी वजह से
एंड वो गुरु और माता पिता जब लूज होते हैं, उस वो लूज होने की वजह से शिष्य में और बच्चों में हर प्रकार के अवगुण प्रवेश करता है। एंड बच्चों में आज के समय पे इतने सारे अवगुण आने का मूल कारण यही है, ओवर पैम्परिंग। जो कुछ भी पूछते हैं दे देते हैं, उनको लगता है यही प्रेम है, वो प्रेम नहीं है, वो तो आप खा जा रहे हो उन्हें। इस प्रकार से ये गाय जो है उस बच्चे को, बच्चा को चाटते चाटते पूरा खून निकाल दिया और फाइनल उसे मार दिया, उसी प्रकार से मार दे रहे लोग अपने बच्चों को, प्रेम नहीं है। प्रेम मतलब प्रेम समझना है, देन फिर आप वैदिक संप्रदाय में देखिए असलियत में प्रेम होता क्या है। ठीक है, हरि बोल। राजीव भाटिया प्रभु। हरि बोल प्रभु जी। यस, कौन बोल रहे? राजीव भाटिया प्रभु। नहीं है, ठीक है। रम्या, रम्या माता जी अनम्यूट नहीं कर पा रही, कैसे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 4.25.42 श्रीमद् भागवतम देखिए, अभी जो कॉन्टेक्स्ट जो श्लोक डिस्कस किया जा रहा है उसी के संबंध में ही पूछिए। वी कैन नॉट गो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एज ऑफ नाउ, दैट कैन बी टेकन अप लेटर ऑन विद योर फैसिलिटेटर्स, है ना, सो दैट इट कैन बी रेलेवेंट फॉर एवरीबॉडी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा जी। प्रभु जी मैं माफी चाहूंगा आपसे, एक्चुअली में मेरा प्रश्न जो है ना कल जो शुरू होने वाला है परसों से, उसके बारे में एक छोटा सा एक जिज्ञासा थी मेरी, मैं पूछ सकता हूँ अभी? अच्छा, वो इस प्लेटफॉर्म पर पूछना है कैसे? तो वो एक्चुअली में मेरे को आपसे कैसे कांटेक्ट करूँ, फिर वही वाली बात हो जाती ना। अच्छा। आपका नंबर चलिए मैं बाद में पूछ लूंगा, कोई बात नहीं है। वैसे मेरा एक हमारे फैसिलिटेटर से एक जिज्ञासा पैदा हुई थी, उनसे तो मैं पूछ नहीं पाया, तो मैंने सोचा शायद जब आपसे बात होगी तब आपसे पूछ लूंगा, तो मैं बाद में पूछ लूंगा, कोई बात नहीं थी। ओके, मैं भी आप कभी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं जो भी जवाब है मैं बता भेज। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने ये जो आश्रम डिवाइडेड है हमारे उनके बारे में बताया, तो वर्णप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, जैसे आपने कहा कि पति और पत्नी वर्ण मतलब उसमें जा सकते हैं, जैसे धाम की यात्रा करके फिर पत्नी को घर में ही रुकना पड़ेगा, जैसे अगर पत्नी मतलब एक औरत जैसे संन्यास नहीं ले सकती या एक पुरुष संन्यास ले सकता है, और अगर प्रभु जी ऐसा भी है अगर जैसे पति और पत्नी है, अगर पत्नी है मतलब अगर भक्ति में है और पति इतने सालों में भी भक्ति में नहीं आ पाए, जैसे पत्नी नहीं करते हैं और पत्नी कर रहे हैं, जैसे बड़े अगर वो उस इतने स्टेज पे पहुंच गए हैं 50-60 तब भी अगर वो नहीं आ पाए, तो फिर तब हमें तब क्या करना चाहिए? माता जी वैसा स्त्री के लिए एक अलग ही हिसाब है, जैसे स्त्री के लिए श्रील प्रभुपाद जी ही नियुक्त करते हैं कि तो स्त्री शुरुआत में हमेशा स्त्री हमेशा संरक्षण में रहनी चाहिए, एंड शुरुआत में अपने पिता की संरक्षण में रहती है, फिर उसके बाद पति के संरक्षण में, एंड फिर जब पति इस प्रकार से संन्यास लेता है देन फिर पत्नी जो है वो अपने बच्चों के संरक्षण में रहती है। बट वो सब कभी स्त्री इस प्रकार से संन्यासिनी आश्रम इत्यादि इन जनरल केस तो नहीं होता है,
कुछ स्पेशल केसेस तो ऑलवेज तो होता ही है, जो कि बिल्कुल ही विश्व स्तर पे हैं, वो तो होता ही है, बट इन जनरल केस उस प्रकार से नहीं होता है, बल्कि वो पत्नी वो घर पे रहकर ही वो अपना भक्ति इत्यादि वो करती है ना, उस प्रकार से किया जा सकता है। बट डेफिनेटली आज के समय पे डेफिनेटली कई बार जब पति भक्त नहीं है, पत्नी भक्त नहीं है, इस प्रकार की काफी एक डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा हो सकता है। बट अल्टीमेटली एक बात हम कहना चाहते हैं कि व्हाटएवर भी, चाहे जो भी है, अल्टीमेटली हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे जो भी परिस्थितियों में हमें अपने कर्मों की वजह से रहना पड़ रहे हैं, उन परिस्थितियों में रहते हुए भक्ति करना हमारा जिम्मेदारी है। एंड वो कैसे एडजस्ट करनी है वो आप ही बेहतर जानते हो, बिकॉज यू बेटर नो वॉट योर सिचुएशन इज, आप ही बेहतर जानते हो कि आपकी क्या परिस्थिति है। Then definitely आप वो परिस्थिति एक बार अपने फैसिलिटेटर से भी डिस्कस कर सकते हो, जिससे आप एक जो भी व्हाटएवर बेस्ट यू कैन यू शुड बी डूइंग, बिकॉज अल्टीमेटली हम कोई बहाना नहीं दे सकते हैं कि देखिए मेरा ऐसा परिस्थिति इसलिए मैं नहीं कर पाया, नहीं, अल्टीमेटली हम अकाउंटेबल है भक्ति करने के लिए, भक्ति करना ही चाहिए जो भी परिस्थिति हो। एंड उस प्रकार से अपने भक्ति के लिए अनुकूल स्थिति को बनाने के लिए, एंड फिर व्हाटएवर शास्त्र हमें करनी चाहिए, हमें करने के लिए तैयार होनी चाहिए, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। तो इस प्रकार से एक बार पर्सनल लेवल पर ही देखना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, कौन बोल रहे हैं? व्हाट इज मायावाद प्रभु जी? मायावाद का अर्थ क्या है? जो सब कुछ माया मानते हैं, भगवान को भी माया कही माया ही मान लेते हो, सब कुछ ही माया मान लेते, उसी प्रकार से भगवान को भी माया मान लेते हो, तो माया, इसलिए मायावाद कहा जाता है उस प्रकार लोगों को, जो कि लोग भगवान को निराकार मानते हैं। किसको मायावाद मान लेते हैं प्रभु? जो सभी को ही इस जगत को भी एंड फिर इस भगवान को भी, जीवों को भी, सभी को ही माया मानते हैं, वही मायावाद है बेसिकली। दे कंसीडर एवरीथिंग टू बी माया। लेकिन ये धरती तो माया के प्रभाव में ही है ना? देखिए, एक तो दो बातें हैं, एक तो झूठा है, दूसरा अशाश्वत है। जो मायावाद कहते हैं ये सब, दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल करके, ये है ही नहीं करके। बट वैष्णव कहना है, जैसा कहते हैं ना, जगत मिथ्या करके, ये मिथ्या नहीं है, बल्कि ये टेम्पररी है, अशाश्वत है। भगवान ने जैसा कहा दुःखालयम अशाश्वतम, अशाश्वत है, ये थोड़ी देर तक रह कर खत्म हो जाती है, तो अशाश्वत है, बट ये नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार से जो नॉन एग्जिस्टेंट कहते हैं वो मायावाद है। उसी प्रकार से भगवान को भी वो लोग यही कहते हैं कि भगवान भी एक साधारण जीव ही है करके, वो लोग भगवान को भी एक साधारण जीव मानने लगते हैं, तो ये भी मायावाद है। और कभी एक साधारण जीव को भगवान बना लेते हैं, ये भी मायावाद है। और सारे देवी देवताओं को भगवान के स्तर पे गिनने लगते हैं, भगवान को सारे देवी देवताओं को भी समान स्तर पे गिनते हैं, ये भी मायावाद है। तो ये सारे डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग से मायावाद है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी, एक और था कि भागवतम में बोला कहता है कि वैष्णव नाम यथाशंभु तब। हाँ, वैष्णव में श्रेष्ठ है भगवान शिव, वैष्णव में जैसे वैष्णव भक्त होते हैं, उन सारे भक्तों में श्रेष्ठ भक्त शिव जी, बिकॉज शिव जी निरंतर रूप से भगवान के नाम स्मरण करते रहते हैं। आप कभी भी शिव जी खाली घूमते हुए दिखाई नहीं देते, कोई भी पिक्चर भी क्यों ना हो, हमेशा ध्यान में तल्लीन होते हैं। और फिर क्या, कौन से ध्यान कर रहे हैं? भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और हमेशा निरंतर रूप से भगवान नाम की चिंतन करते हैं।
तो देवी लक्ष्मी वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है। देवी लक्ष्मी और देवी नारद मुनि जी वो सब कौन है प्रभु? देवी लेकिन देवी कुछ ग्रंथ में तो लिखा है कि वो अपने ऊपर चिंतन करता है। देखिए ये सारा प्रश्न तो बिल्कुल बेसिक प्रश्न है जो कि आप जो कोर्सेस में आप रेगुलरली आएंगे, जैसा अभी भगवद्गीता कोर्स होगी वैसा कोर्सेस में आप रेगुलरली आएंगे तो ये सारा प्रश्नों का समाधान उसी में हो जाएगी, है ना। तो आप कोर्सेस अटेंड करिए, देन एक क्लास में आपको सबको समझ में नहीं आएगी। प्रभु जी मुझे पूछना है कि मतलब आपकी जो मायावाद की अंडरस्टैंडिंग है आपने वो कहां से लाया, मतलब आपको किसने बताया था ये सब? देखिए जो जो श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों से जो हमने समझा है, जो जिसके आर्टिकल्स वगैरह है, तो हम जो श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों के आधार पर ही हम सारे बातें बता रहे हैं। तो मतलब आपका फंडामेंटल इनपुट जो है वो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें है, है ना जी? अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। मेरा श्रीपाद रामानुजा समाप्त करेंगे, समय नहीं है, 9 बज चुका है। तो आप लोग जो देखिए, आप सारे जितना सारे लोग अभी जो लास्ट में प्रश्न पूछ रहे हैं दे कम्प्लीटली बेसिक क्वेश्चंस है जो कि बिल्कुल एलकेजी केजी स्टैंडर्ड के ही प्रश्न है। तो ये सारा प्रश्नों के उत्तर आपको इजीली भागवत गीता कोर्स के अंतर्गत मिल जाएगी। आप लोग कोर्स अटेंड करिए अच्छा से, देन फिर आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर क्लियरली मिल जाएगी। वॉट इज दिन हम श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकों को क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं, भगवत गीता भागवतम के अंतर्गत मायावाद के विषय में हो, देवी देवताओं की आराधना के विषय में, इत्यादि इत्यादि क्यों क्या चीज बताई जा रही है, ये सारे तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो आप वही है कि एक क्लास में आप सब कुछ तो समझ नहीं पाएंगे, लोग अपना जीवन लगाते समझने के लिए फिर भी समझ नहीं पाते हैं, आप कहाँ एक क्लास में समझ पाएंगे ना। सो प्लीज गिव टाइम दैट, ओके धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल क्लास, आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्रभु जी ने आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो क्विकली हम एक दो मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग में प्रभु जी ने बताया 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, पहले जो केवल सुनकर सीख लेते हैं, दूसरा प्रकार के जो देख कर सीख लेते हैं दूसरों को देखकर, और तीसरे जो अनुभव करके सीखते हैं। लेकिन इन 3 के अलावा एक चौथे भी होते हैं जो इन 3ों से भी नहीं सीखते। तो हमें देखना है कि हम किस टाइप के मनुष्य हैं। आगे प्रभु जी ने 2 टाइप के मार्ग बताए, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग वो होता है जो इसी दुनिया में सुख ढूंढता है, इस भौतिक जगत में ही, और निवृत्ति मार्ग जो फोकस करता है कि हमें इस भौतिक बंधन से निकलना है और भक्ति का पालन करना है। तो प्रभु जी ने बताया कि हमें चेक करना है कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, तो ये हमें चेक करते रहना है। क्योंकि जब हम निवृत्ति मार्ग में होते हैं तब तो हम भगवान के अंडर में होते हैं, लेकिन जब हम प्रवृत्ति मार्ग पर आते हैं तो फिर माया के अंडर में आ जाते हैं। और प्रभु जी ने बताया माया जो है फिर वो सीधे नहीं समझाती है, फिर वो लात भी मारती है और बहुत सारे कष्ट भी देती है। तो हमें देखना है कि हम किस मार्ग पर चलना चाहते हैं। और ये भी बताया प्रभु जी ने कि जो इस भौतिक जगत में रहना चाहते हैं तो वो जेंटलमैन नहीं है, तो अगर हम यहाँ रहना चाहते हैं तो हम जेंटलमैन नहीं है। तो और जो अगर हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ से निकलना है तो हम जेंटलमैन हैं, तो ये भी हमें देखना है। आगे प्रभु जी ने बताया कि भक्तों के जीवन में भी कई बार कष्ट आते हैं, तो वो कष्ट किस लिए आते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दिया प्रभु जी ने कि वो कष्ट माया देवी देती हैं हमें, क्योंकि कभी कभी भक्त लोग भी अपनी भक्ति में ढीले पड़ जाते हैं, कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे फिर भक्तों के जीवन में कुछ कष्ट आ जाते हैं ताकि वो फिर से भक्ति को सीरियसली फॉलो कर पाए, फॉलो करें और वो समझें कि ये भौतिक जगत जो है हमारे लिए नहीं है। तो आगे प्रभु जी ने बताया कि कई बार हम कष्ट भोग रहे होते हैं इस भौतिक जगत में, लेकिन ये वैसा ही है जैसे एक सोया हुआ व्यक्ति जो है बुरा स्वप्न देख रहा है, तो बुरे स्वप्न देख रहा है तो उसको लग रहा है कि हाँ मेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो जग जाता है तो उसके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। तो वैसे ही हमें भी जागना है, आध्यात्मिक जीवन की तरफ आना है, और जैसे ही हम समझ जाएंगे कि हम भौतिक शरीर नहीं है आत्मा है, तो वैसे ही हमारे जो भी कष्ट हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। प्रभु जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया बंदर का कि वो एक बोतल में हाथ डाल के चना पड़ा हुआ उसको निकाल रहा है, वो हाथ भी निकालना चाह रहा है चना भी निकालना चाह रहा है तो नहीं निकाल पा रहा है, जब तक वो चना छोड़ेगा नहीं तब तक वो अपना हाथ नहीं निकाल पाएगा। वैसे हम भी हैं, तो प्रभु जी ने बताया कि हमें भी देखना है हमारा चना क्या है। तो बहुत सारी डिजायर्स हो सकती हैं हमारी, तो कोई भी हमारा कुछ भी हमारा चना हो सकता है, तो हमें वो छोड़ना पड़ेगा तभी जो है हम वो भक्ति का जो गुलाब जामुन है वो हमें मिल पाएगा।
और बताया आगे प्रभु जी ने कि आसक्ति ही इन सब का कारण है, कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति है, आसक्ति की गांठें हैं, तो उनको हमें काटना पड़ेगा और उन गांठों को काट कर ही हम जो है भक्ति का स्वाद ले पाएंगे, आध्यात्मिक जीवन का स्वाद ले पाएंगे। और उसके लिए प्रभु जी ने बताया कि जो भागवत कथा है ये बहुत हेल्प करेगी इन गांठों को काटने में। तो ऐसे ही हम अगर निरंतर क्लासेस में अटेंड करेंगे और भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से इन गांठों को काट पाएंगे। और एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रभु जी ने बताया कि हमें इस भौतिक जगत से छोड़ना तो है ही, छोड़ना तो पड़ेगा ही। अभी हमारे ऊपर है कि हम खुद से छोड़ना चाह रहे हैं या फिर प्रकृति हमें छुड़वाएगी। तो अगर हम खुद से छोड़ देंगे, जैसे कि परीक्षित महाराज ने किया, युधिष्ठिर महाराज ने किया, तो फिर हमारा ग्लोरिफिकेशन होगा, सभी हमें हमारे बड़ाई करेंगे, ग्लोरिफिकेशन करेंगे। लेकिन अगर प्रकृति ने छुड़वाया तो फिर कुछ भी नहीं होगा और हमें ऐसे ही रोते हुए जाना पड़ेगा। और जैसा प्रभु जी ने बताया कि ये जो जीवन है चार आश्रमों में डिवाइड है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो ये 100 साल होता है, तो फिर 25-25 के इसमें डिवाइड करते हैं। बट तो अब तो कलयुग में हमारी एज 100 वर्ष भी नहीं है, तो आइडियली जो 50 है उससे पहले ही हमें वानप्रस्थ की प्लानिंग करनी चाहिए। तो प्रभु जी का फोकस यही था कि हमें अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए वानप्रस्थ की, और जो भी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो करनी चाहिए, ताकि जो हम आध्यात्मिक जीवन में उसमें ज्यादा से ज्यादा समय दे पाएं और अपने भक्ति जीवन में प्रगति कर पाएं, और जो हमारा लक्ष्य है जीवन का इस भौतिक जगत से निकल के भगवान के धाम जाने का, वो हम प्राप्त कर पाएं। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स है, तो बहुत अच्छे से प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया और आपने भी बहुत अच्छे से इसको सुना। तो एक बार धन्यवाद देंगे प्रभु जी का, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे से श्रवण करने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा।